आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोगों का हुजूम देख गदगद हुए भाजपा नेता, कैबिनेट मंत्रियों ने लोगों को किया संबोधित। देर से स्कूल पहुंचे 6 बच्चे, शिक्षक ने कपड़े उतरवाए। इस दिन से होगी विंटर कार्निवल की शुरुआत। मनु रंगशाला में 5,000 लोग एक साथ गाएंगे राष्ट्रीय गीत, तो देखते हैं खबरें विस्तार से। कांगड़ा धर्मशाला में चल रही जन आभार रैली में लोगों का हुजूम देखकर भाजपा नेताओं की बाछें खिल गई हैं। सीएम के संबोधन से पहले प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने लोगों को संबोधित किया। हैदराबाद आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से एक अमानवीय घटना सामने आई है। एक शिक्षक ने कुछ बच्चों को स्कूल देर से पहुंचने के कारण कपड़े उतारने की सजा सुनाई, इसके बाद उन्हें धूप में खड़ा कर दिया गया। घटना जिले के पुनगनूर स्थित एक निजी स्कूल की है। 2 जनवरी को सीएम जयराम मनु रंगशाला में विंटर कार्निवल की शुरुआत करेंगे। इस बार विंटर कार्निवल में एक साथ 5,000 लोग राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाएंगे। बता दें कि 2 जनवरी को मनाली में हजारों लोग इकट्ठे होने वाले हैं। भीड़ को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस जवान मोर्चा संभालेंगे। कार्निवल में 3 दशक बाद शीतकालीन खेल भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।